हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आइए हम लोग जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ लिए उसके आगे का पार्ट देखते हैं इस पार्ट 3 में। जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, नहीं समझा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देखकर समझ सकते हैं। इस पार्ट में क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिसिबल लिक्विड्स। तो मैंने पहले बताया कि मिसिसिबल लिक्विड्स कैसा होता है। मिसिसिबल लिक्विड्स ऐसा होता है जो एक दूसरे से ऐसा घुल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा कि हम लोग बता ही नहीं पाएंगे कि दोनों अलग अलग लिक्विड कहाँ पर है। जैसा कि मैंने बताया था एग्जांपल में मिल्क और वाटर, तो यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है एसीटोन और वाटर और कहा गया है कि इसको सेपरेट आप कैसे कीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मिक्सचर को एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में रख देंगे और एक थर्मामीटर उसमें डाल देंगे और एपरेटस को इसी तरह से अरेंज करेंगे जैसा कि डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं। इस तरह से एपरेटसों को सरियाने के बाद, अरेंज करने के बाद हम लोग मिक्सचर को धीरे धीरे हीट करते हैं और हम लोग थर्मोमीटर पे भी अपना नज़र रखते हैं। हम लोग क्या देखेंगे कि टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर का धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक समय उसका टेम्परेचर जो है 78 डिग्री सेल्सियस जब पहुंच जाता है तो एसीटोन जो है वेपराइज करना शुरू कर हो जाता है। इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में बदलने लगता है। फिर वो निकलने का कोशिश करता है ऊपर उठ करके, लेकिन निकल नहीं पाता है ऊपर, चूँकि माउथ बंद है और थर्मामीटर लगा हुआ है। तो क्या करता है, इस तरफ से दूसरी तरफ जो पाइप लगा हुआ है उधर से ये कंडेंसर में चला जाता है और इस कंडेंसर वाले पार्ट में जाने के बाद बाहर से जो पानी आ रहा है वो पानी उसके हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी जो है क्या किए हुआ है, उस पाइप को, कंडेंसर वाले पाइप को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। तो वो ठंडा पानी क्या करता है, इस वेपर के, एसीटोन वेपर के हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको कूल होने देता है। और क्या होता है, वही ठंडा हो करके फिर एसीटोन जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोगों के बीकर में जमा हो जाता है और पानी जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क में बच जाता है। इस तरह से हम लोग एसीटोन और वाटर को सेपरेट आउट कर लेते हैं डिस्टिलेशन मेथड से। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन बनता है कि हाउ इज डिस्टिलेशन डिफरेंट फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या अंतर है। तो अभी हम लोगों ने जो एसीटोन और अल्कोहल को सेपरेट किया, सॉरी एसीटोन और वाटर को सेपरेट किया था, वो किस मेथड से था, डिस्टिलेशन मेथड से। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अंतर ये है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए ऐसे कंपोनेंट्स को उसके मिक्सचर से जिसमें कि दो मिसिसिबल लिक्विड है और बॉयल जो करता है बिना डिकम्पोजिशन के करता है और दोनों में सफिशियंट डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में, जैसे कि अल्कोहल एंड वाटर। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये एक ऐसा मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए ऐसे मिक्सचर को जिसमें दो या दो से अधिक मिसिसिबल लिक्विड्स तो होते हैं लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, लेस देन 25 केल्विन होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एपरेटस का अरेंजमेंट इस तरह से होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ इज द एपरेटस यूज्ड फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिफरेंट फ्रॉम यूज्ड इन डिस्टिलेशन, यानी कि डिस्टिलेशन में जो एपरेटस यूज हो रहा है वो कैसे अलग है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूज्ड होने वाले एपरेटस से। तो एपरेटस जो कि यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वो सिमिलर है डिस्टिलेशन वाले एपरेटस से, लेकिन एपरेटस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला जो है उसमें अंतर ये है कि उसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है जो कि ऊपर में फिटेड होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर में, और उसको कनेक्ट करते हैं हम लोग कंडेंसर से। लेकिन सिर्फ डिस्टिलेशन फ्लास्क में, डिस्टिलेशन मेथड वाले में सिर्फ डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है और इस उसी डिस्टिलेशन फ्लास्क से कंडेंसर अटैच्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बनता है कि हाउ कैन वी सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि गैसेस जो होता है अलग अलग, सॉरी एयर जो है अलग अलग गैसेस से मिलकर के बना हुआ है, यानी हमारे एयर में बहुत डिफरेंट गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी डिफरेंट गैसेस जो है स्मॉल अमाउंट में हैं। एयर के वेरियस कंपोनेंट्स को हम लोग जो सेपरेट करते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हुआ या इस पॉइंट के आधार पर कि अलग अलग गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस है, आर्गन गैस का -186 डिग्री सेल्सियस है, ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एयर को लेंगे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर को और उसको फिल्टर कर देंगे ताकि उसका डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाए और वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें से रिमूव हो जाए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि एयर को कंप्रेस करेंगे, उसको ठंडा कर देंगे। यही कूल्ड एयर को, ठंडे हवा को हम लोग एयर करते हैं एक्सपैंड होने के लिए क्विकली एक चैम्बर में जेट के थ्रू, और इस एक्सपेंशन से क्या होता है एयर जो होता है और भी ठंडा हो जाता है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि वही कंप्रेशन और कूलिंग और रैपिड एक्सपेंशन वाले को बार बार करते हैं, और बार बार करने से एयर जो है और कूल हो जाता है और अल्टीमेटली एयर इतना ठंडा हो जाता है कि वो क्या होता है गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर क्या करते हैं, इसी लिक्विड एयर को एक टॉल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में एंटर कराते हैं, पास कराते हैं, और उसके बॉटम के नीचे के पास यानी नीचे के पास हम लोग क्या करते हैं धीरे धीरे हीट करते हैं, वार्म करते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है -190 डिग्री सेल्सियस और वो सबसे पहले कलेक्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड आर्गन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है -186 डिग्री सेल्सियस, वो कलेक्टेड हो जाएगा। और फिर लास्ट में लिक्विड ऑक्सीजन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस है वो सबसे आखिर में कलेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बनता है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, यानी कि इम्प्योर सैंपल में से प्योर कॉपर के प्योर कॉपर सल्फेट को हम लोग कैसे निकालेंगे। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ले लेंगे एक चाइना डिश में। उसके बाद उसको हम लोग डिजॉल्व कर देंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में। फिर उस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे हम लोग और इनसोलेबल इम्प्योरिटीज़ यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ घुला नहीं है उसको फिल्टर करके सेपरेट आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फिल्टर्ड वाले कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन को हम लोग एक चाइना डिश में ले लेंगे
और उस चाइना डिश को एक वाटर बाथ पे रख देंगे, जिस तरह से कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग हीट करना शुरू करेंगे, और जब हीट करेंगे कुछ देर तक तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोगों को मिल जाएगा, यानी कि उसमें लगभग गाढ़ापन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग उसको हीट करना स्टॉप कर देंगे। वी विल कवर द सॉल्यूशन विद ए फिल्टर पेपर एंड देन वी विल लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल इट स्लोली फॉर ए डे। यानी कि हम लोग उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से कवर कर देंगे और अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे एक रूम में एक आध दिन के लिए। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर जो है सल्फेट वो फॉर्म्ड हो गया है, और जो भी इम्प्यूरिटीज था वो पीछे बच जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ बेटर टेक्निक देन एवापोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड, इसके बारे में अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा, जिस मेथड से प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को ऑब्टेन किया, तो बताया जा रहा है ये बेटर मेथड क्यों है एवापोरेशन से। तो इसका जवाब ये है कि क्रिस्टलाइजेशन एक बेटर टेक्निक है एवापोरेशन से, मेनली दो रीज़न से, या दो रीज़न के लिए। पहला रीज़न ये है कि कुछ कुछ सब्सटांसेस, कुछ कुछ सॉलिड जैसे कि सूखा हो जाता है, डिकम्पोज कर जाता है, उसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं डिकम्पोजेज और गेट्स चैर्ड। दूसरा रीज़न ये है कि द सोलिबल इम्प्यूरिटीज़ जो है वो रिमूव नहीं होता है एवापोरेशन प्रोसेस में, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो सोलिबल इम्प्यूरिटीज़ है वो भी सेपरेटेड आउट हो जाता है। इसी दोनों कारण से क्रिस्टलाइजेशन को एक बेटर टेक्निक माना गया है एवापोरेशन के कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बनता है कि फिजिकल चेंजेस किसे कहते हैं। तो फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंज को कहते हैं, या फिजिकल चेंज उस चेंज को कहते हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, वो चेंज टेम्पररी होगा, रिवर्सिबल होगा, और फिजिकल चेंज के दौरान बहुत ही कम हीट या लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या फिर गिवन आउट होगा। किसी भी फिजिकल चेंज के दौरान मास ऑफ द सब्सटेंस जो है चेंज नहीं होगा। हम लोगों के डे टू डे लाइफ में बहुत सारा फिजिकल चेंजेस होता है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लास टम्बलर का टूटना, पेपर का फाड़ना, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो फिजिकल चेंज हैं। आइए अब समझते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। तो ठीक फिजिकल चेंज का विपरीत होता है, उल्टा होता है। केमिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड होते हैं। एक केमिकल चेंज परमानेंट चेंज है। केमिकल चेंज में लॉट ऑफ हीट एनर्जी डिब्रेटेड आउट होता है या एब्जॉर्ब होता है, या लाइट एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है। केमिकल चेंज जो होता है यूजुअली इरिवर्सिबल होता है। क्यों यूजुअली कहा गया, क्योंकि कभी कभी रिवर्सिबल भी होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक केमिकल चेंज है लेकिन वो रिवर्सिबल है। और केमिकल चेंज के दौरान मास ऑफ द सब्सटेंस जो है चेंज होना ही होना है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों के आसपास होता है केमिकल चेंज का, जैसे कि बर्निंग, किसी भी चीज़ का जलना एक केमिकल चेंज है। आयरन में रस्ट लगना यानी जंग लगना, किसी भी फल का पकना, दही का बनना, खाना का पकना, खाना का डाइजेशन होना, प्लांट में ग्रोथ होना, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि केमिकल चेंजेस हैं। और जब भी केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का यहाँ है वो है एलिमेंट्स के बारे में। तो अभी के डेट तक लगभग 119 एलिमेंट्स जाना जा रहा है,
बोयल जो थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1661 में एलिमेंट टर्म को यूज़ किया था। एंटोन लॉरेंट लेवोजियर जो था उन्होंने सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंट करके एलिमेंट का डेफिनेशन दिया था। उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था कि एक एलिमेंट जो होता बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है और भी सिंपलर सब्सटेंसेस में किसी भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। एलिमेंट्स को मेनली तीन क्लासेस में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल किसको कहते हैं? मेटल ऐसा होगा जो कि निम्नलिखित में से सारा या कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है। तो वो निम्नलिखित या वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या है? चमकीला होना, यानी मेटल्स आर यूजुअली लस्ट्रस, शाइनी। वो मेनली सिल्वर ग्रे या गोल्डन येलो कलर का होगा। मेटल्स जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल्स आर डक्टाइल, इसका क्या मतलब? उसको पीट करके पतला तार में बदला जा सकता है। मेटल्स आर मैलिएबल, इसका मतलब उसको पीट करके पतले शीट्स में बदला जा सकता है। मेटल्स आर सोनोरस, इसका मतलब उसमें एक पिकुलियर रिंगिंग वॉइस है, झन से आवाज़ करता है मेटल्स। एग्जाम्पल हो गया हमारे मेटल्स का गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम और भी बहुत सारे हैं। और मरकरी जो है ओनली मेटल है, इकलौता मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो नॉन मेटल जो होता है जस्ट अपोजिट होता है मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ का। यानी कि नॉन मेटल जो होगा वो वेराइटी ऑफ कलर्स का होता है। नॉन मेटल्स जो होगा आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, जो कि विपरीत है आपके मेटल्स का। लेकिन एक्सेप्शनल केस है, ग्राफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट है लस्ट्रस। तो ये नॉन मेटल जो होता है नॉन लस्ट्रस होता है, लेकिन आयोडीन एक एक्सेप्शनल केस है जो कि नॉन मेटल होते हुए भी चमकीला होता है। नॉन मेटल जो होगा नॉन मैलिएबल होगा, नॉन डक्टाइल होगा और नॉन सोनोरस होगा, जनरली सॉफ्ट होगा और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लेकिन मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है। हम लोगों ने देखा कि सिर्फ मरकरी जो था वही एक लौता मेटल था जो कि लिक्विड था रूम टेम्परेचर पे। तो नॉन मेटल जो हो सकता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैसेस भी हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन मेटल्स यूजुअली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ मरकरी को छोड़ करके जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। उसी तरह से ब्रोमीन एक लौता लिक्विड नॉन मेटल है और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सब गैसियस नॉन मेटल है, यानी कि नॉन मेटल जो कि गैस के रूप में पाया जाता है। तो हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देख लिया नॉन मेटल्स का। अब आते हैं मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स ऐसा एलिमेंट है जो दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। एग्जांपल हो गया बोरोन जिसका सिंबल है बी, सिलिकॉन जिसका सिंबल है Si और जर्मेनियम जिसका सिंबल है Ge। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोगों का है कंपाउंड्स। चूंकि हम लोग प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये पढ़े हैं कि प्योर सब्सटेंसेस मेनली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में तो पढ़ लिए, अब कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर के बना होता है और केमिकली कंबाइंड होता है फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। एग्जाम्पल हो गया अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चौक, मीथेन, ग्लूकोज एक्सेट्रा।
इस चैप्टर के पार्ट वन में हम लोगों ने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया। आइए फटाफट हम लोग मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो एक मिक्सचर जो होगा वो अपने कंस्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, यानी कि जैसे मान लीजिए हम सल्फ़र और आयरन फाइलिंग को मिला दें, तो ये जो मिक्सचर बन गया आयरन फाइलिंग और सल्फ़र का, तो हम मैग्नेट लाएंगे तो वो मैग्नेट आयरन फाइलिंग को टाल लेगा, और कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करेंगे तो सल्फ़र डिसॉल्व हो जाएगा। तो दोनों अपने कंस्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टीज़ को शो किया। लेकिन कंपाउंड जैसे कार्बन डाइसल्फाइड आयरन सल्फाइड, आयरन और सल्फर को हीट कर देंगे मिला करके, तो क्या होगा, आयरन सल्फाइड बना देगा। तो ये आयरन सल्फाइड जो है एक कंपाउंड हो गया, क्योंकि ये अपने कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेगा अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का, यानी कि मैग्नेट लाएंगे तो आयरन फाइलिंग नहीं निकल पाएगा उस ब्लैक आयरन सल्फाइड से। अगर दो मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सल्फर। दूसरा डिफरेंस हम लोग ये देखेंगे कि एक मिक्सचर का फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, एक कंपाउंड का फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मिक्सचर का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होगा, लेकिन एक कंपाउंड का फार्मूला होता है, डेफिनेट फार्मूला होता है। क्यों? क्योंकि मिक्सचर में कंपोनेंट जो होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है, फिक्स रेशियो बाय मास होता है, इसीलिए उसका फार्मूला भी होता है। मिक्सचर को हम लोग कोई भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट को, इसके कंपोनेंट्स को हम लोग कोई भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग क्या देखेंगे इसमें मिक्सचर और कंपाउंड में, कि मिक्सचर को फॉर्मेशन के लिए यूजुअली एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही एनर्जी अब्जॉर्ब होता है ना ही गिवन आउट होता है, लेकिन एक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए यूजुअली एनर्जी या तो गिवन आउट होगा या फिर एनर्जी अब्जॉर्ब होता है। लास्ट डिफरेंस में हम लोग क्या देखेंगे कि एक मिक्सचर जो होगा वह हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस दोनों में से कोई नेचर का हो सकता है, लेकिन एक कंपाउंड जो होता है वो हमेशा होमोजीनियस होता है। अब इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आते हैं, और एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि मान लीजिए आप लोगों को कोई सब्सटेंस दिया गया है और पूछा जाएगा कि बताइए ये मिक्सचर है कि कंपाउंड है, तो कैसे आप पता कीजिएगा, कैसे बताइएगा? तो मैं आप लोगों को कुछ तरीका बताता हूँ। एक तरीका कि अगर सब्सटेंस जो है सेपरेट आउट हो जा रहा है फिजिकल मेथड से, तो समझिए वो एक मिक्सचर है, अगर नहीं होता तो वो एक कंपाउंड है। दूसरा तरीका कि आप उसके प्रॉपर्टीज़ को देखिए, कि अगर मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है, अगर वो जो सब्सटेंस दिया हुआ है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है तो वो एक मिक्सचर है, और अगर जिस चीज़ से मिल करके वो बना हुआ है उसका प्रॉपर्टीज़ और जो नया चीज़ बना हुआ है इसका प्रॉपर्टीज़ दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है तो वो एक कंपाउंड है। तीसरा तरीका ये है आपका जानने का कि देखिए कि क्या हीट और लाइट एनर्जी गिवन आउट हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है। अगर हीट और लाइट एनर्जी ना गिवन आउट है ना एब्जॉर्ब है तो वो एक मिक्सचर है। अगर उसके फॉर्मेशन में, उस सब्सटेंस के फॉर्मेशन में हीट एनर्जी या तो या लाइट एनर्जी गिवन आउट हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है तो वो एक कंपाउंड है। चौथा तरीका क्या है करने का कि कंपोजिशन है, अलग अलग कंपोजिशन हो सकता है तो वो एक मिक्सचर है। अगर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में उसका ये है कंपोजिशन है तो वो एक कंपाउंड है। और पांचवा तरीका आप ये देखिए कि क्या उस सब्सटेंस का कोई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं है तो वो एक मिक्सचर है, और अगर उस सब्सटेंस का, गिवन सब्सटेंस का फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है तो वो एक कंपाउंड है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोबारा इस वीडियो को देखिए। इस चैप्टर के पार्ट वन का, पार्ट टू का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देखिए, आपको चैप्टर ज़रूर समझ में आएगा। आप हमारे इस चैनल पर अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।